मेरे पिता श्री द्रोणाचार्य का वध करने वाले पांडवों, तुम्हारी सुख की निद्रा को चिर निद्रा में परिवर्तित कर दूंगा मैं अश्वत्थामा। ये तो पांडव प्रतीत नहीं होते, परंतु ये कैसे हो सकता है? ये शिविर तो पांडवों का ही है। ये तो पांडवों के राजकुमार हैं, द्रौपदी के पुत्र। अच्छा हुआ पांडवों के कुल का नाश हो गया। जिस प्रकार मैं मेरे प्रियजनों की आग में झुलस रहा हूं, उसी प्रकार पांडव भी उसी आग में जलेंगे। पांडवों के वंशनाश की संतुष्टि लिए क्रूर अश्वत्थामा दुर्योधन को अपने पराक्रम की शुभ सूचना देने जा पहुंचा। ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा? बालकों का वध, ऐसा घृणित कार्य, संसार का सबसे बड़ा पाप किया है तुमने। यदि ये सोचकर तुम प्रसन्न हो रहे हो कि तुमने पांडवों के वंश का नाश कर दिया है, तो कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु की संतान पल रही है। मैं ये भी समझ रहा हूँ तुम्हारे इस जघन्य कृत्य के लिए ना तो कृष्ण तुम्हें क्षमा करेंगे और ना पांडव। इससे पूर्व कि कृष्ण तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, मेरे मित्र तुम जाकर किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ। अश्वत्थामा, मैं स्वयं अपने हाथों से तेरी जीवा उखाड़ूंगा। नहीं महाबली, उस दुष्ट को मारकर आप उसे चीर शांति प्रदान करना चाहते, उसे मृत्यु से भी भयानक दंड मिलना चाहिए। चीर शांति नहीं, उसे चीर काल तक अशांति मिलनी चाहिए। जब तक उससे भीषण दंड नहीं मिल जाता, मैं अपने पुत्रों की अस्थियों को विसर्जित नहीं होने दूंगी। यही बैठी रहूंगी। मैं वचन देता हूँ पांचाली, उसके कुकृत्य के लिए उसे भीषण दंड दूंगा मैं। उसे दंडित किए बिना मैं नहीं लौटूंगा। इस महा अधर्म का भयानक परिणाम भोगना होगा उस कुकर्मी को। और तब द्रौपदी के प्रण को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण एक बार पुनः अर्जुन के सारथी बने और देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रथ पर धनंजय को लेकर अश्वत्थामा को दंड देने के लिए निकल पड़े। महाबली भीम भी प्रतिशोध की धधकती अग्नि को हृदय में लिए हुए उनके साथ दौड़ पड़े। ये रथ की ध्वनि, अर्जुन कृष्ण के साथ और भीम भी। अर्जुन बोला अश्वत्थामा, तुम्हारे इस जघन्य कृत्य के लिए ना तो कृष्ण तुम्हें क्षमा करेंगे और ना पांडव। भागकर कहां जाओगे अश्वत्थामा? जो जघन्य कृत्य तुमने किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। कहां भागकर जा रहा है अश्वत्थामा? तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। ये क्या कर रहा है अश्वत्थामा? अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया है।
अर्जुन, भीम, तुम मेरा अंत नहीं कर सकते, अंत तो तुम पांडवों का होगा। ये क्या अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा ने? ऋषिवर वेदव्यास जी युद्ध कौशल का दुरुपयोग कर रहा है अश्वत्थामा। हाँ देवर्षि, ये पाप पर पाप कर रहा है। अर्जुन, अब क्या करोगे तुम? माधव, ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता है। किंतु अर्जुन। नहीं माधव, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अश्वत्थामा, धनुर्विद्या के महागुरु द्रोणाचार्य के पुत्र होकर भी तुम ये कैसे भूल गए कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाता? सहस्त्रों निर्दोष दीवधारी के साथ ही तुम भी मिट जाओगे अश्वत्थामा। निंदनीय कृत्य किया है तुमने अश्वत्थामा। इस कुकृत्य के कारण तुम्हें भी कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अकारण ही सहस्त्रों जीवों का अंत। अश्वत्थामा, पश्चाताप की अग्नि में तुम सदैव जलते रहोगे। अश्वत्थामा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, अभी और इसी क्षण। वापस लो ब्रह्मास्त्र अर्जुन। उचित है माधव। मैं वेद व्यास तुम्हें आज्ञा देता हूं अश्वत्थामा कि तुम इसी क्षण अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। मेरे पिताश्री ने मुझे अपूर्ण ज्ञान ही प्रदान किया है। मैं ब्रह्मास्त्र का संधान तो कर सकता हूं, किंतु इसे वापस लेने की विद्या मुझे नहीं आती। अब मैं यदि इसे लौटाना भी चाहूं तो भी मैं इसे लौटा नहीं सकता। जब ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लौटा सकते तो तुम्हें इसका संधान भी नहीं करना चाहिए था अश्वत्थामा। यदि तुम इसे लौटा नहीं सकते हो तो किसी ऐसे स्थान की ओर मोड़ दो जो निर्जन हो, जहां पर कम से कम हानि हो। उचित है, मैं इसकी दिशा अवश्य ही मोड़ सकता हूं। यदि ये सोचकर तुम प्रसन्न हो रहे हो कि तुमने पांडवों के वंश का नाश कर दिया है तो कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु की संतान पल रही है। ब्रह्मास्त्र चलाया है तो पांडव कुल की आगामी पीढ़ी का नाश तो कर ही सकता हूं मैं इससे। तुम अपनी निष्ठा नहीं त्यागोगे अश्वत्थामा। श्री कृष्ण को बोध हो गया था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर परिवर्तित कर दिया था, जिससे उनका कोप अपने चरम पर पहुंच गया। अश्वत्थामा, तुम क्या सोचते हो, पांडवों के कुल के वंश का नाश कर दोगे तुम? मैं कृष्ण तुम्हें बताता हूं, उत्तरा का वही पुत्र जिसका नाश करने के लिए तुमने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा परिवर्तित की है, भविष्य में वो एक महान राजा बनेगा और तुम अधम अश्वत्थामा। भ्रूण हत्या जैसे नीच कृत्य के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी समस्त देह अनेक रोगों एवं महापीड़ादायक घावों से भर जाएगी। नहीं, दुर्गंध युक्त हो जाएगी तुम्हारी देह, कोई निकट नहीं आएगा तुम्हारे। नहीं, मृत्यु के लिए तुम गिड़गिड़ाओगे किंतु मृत्यु भी तुमसे दूर रहेगी। कलयुग के अंत तक तुम अपनी इस श्रापित देह का बोझ उठाते हुए भटकते रहोगे अश्वत्थामा, भटकते रहोगे। अर्जुन, इस दुष्ट के मस्तिष्क से दिव्य मणि छीन लो
अश्वत्थामा के मस्तिष्क से उसकी दिव्य ऊर्जा का स्रोत उसकी मणि निकालकर उसे कलयुग के अंत तक पश्चाताप करने के लिए छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा की दिव्य मणि देखकर द्रौपदी के संतप्त हृदय को शांति मिल गई, किंतु जैसे ही श्री कृष्ण लौटने को हुए, अभिमन्यु पत्नी उत्तरा सहायता की गुहार लगाती हुई श्री कृष्ण के सम्मुख आ खड़ी हुई। रक्षा कीजिए द्वारकाधीश, रक्षा कीजिए। उत्तरा, ब्रह्मास्त्र मेरी संतान की प्राण हरना चाहता है, रक्षा कीजिए द्वारकाधीश, रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है जो उसने पांडव कुल की आगामी पीढ़ी का विनाश करने के लिए अभिमंत्रित करके छोड़ा था। इससे रक्षा कीजिए प्रभु श्री कृष्ण, आप तो पर ब्रह्म स्वरूप है, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। अब तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है, उसके जन्म के पूर्व ही उसकी इतनी बड़ी परीक्षा हुई, अतः तुम्हारे पुत्र का नाम परीक्षित होगा। जो भविष्य में एक महान नरेश बनेगा। आपकी इस महान कृपा के लिए मैं ही नहीं, संपूर्ण पांडव कुल आपका सदा आभारी रहेगा प्रभु। सब परीक्षित के सौभाग्य को जानकर प्रसन्न थे, किंतु परास्त हुए कौरवों की माता गांधारी के वहां पहुंचते ही उनकी प्रसन्नता धूमिल पड़ गई। प्यारी माँ की कोख उजाड़ कर तुम सब आनंद मना रहे हो, मैं देख नहीं सकती किंतु आभास कर सकती हूँ तुम्हारी प्रसन्नता का। मैं सत्य कह रही हूँ ना देख के नंदन केशव, तुम्हारे अस्मित हास्य का भी आभास हो रहा है मुझे। यदि मेरी विष्णु भक्ति सच्ची है, यदि अब भी मेरी पत्नी व्रता पत्नी का धर्म दृढ़ है, मैं अभागी मां तुम्हें ये श्राप देती हूं। कृष्ण, जिस तरह तुमने कौरवों और पांडवों को आपस में युद्ध करवाकर मेरे वंश का सर्वनाश किया है, उसी प्रकार समस्त यदुवंशी भी आपस में लड़कर वंश नाश का कारण बनेंगे। और तुम्हारी द्वारका नगरी भी सागर के गर्त में जाकर समा जाएगी। आपका दिया हुआ श्राप अवश्य फलित होगा, नियति ने यही निर्धारित किया है। अभी हम सबको इन वीरों का विधिवत अंतिम संस्कार करना है, जिससे ये मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो सके।
तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। श्री कृष्ण ने भी द्वारिका को प्रस्थान किया। देवी रुक्मिणी की उपस्थिति के कारण संसार के समस्त सुख द्वारिका में उपलब्ध थे, किंतु माता गांधारी के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाया और एक दिन यदुवंशी आपस में ही लड़कर मृत्यु के मुख में समा गए। द्वापर युग के अंत के संकेत मिलते ही श्री कृष्ण ने भी जीवन से निर्वाण का निश्चय कर लिया। प्रभु, मेरा हृदय अकस्मात ही प्रभु के लिए व्याकुल क्यों हो रहा है? मलिक, आज का आखेट प्राप्त हो गया मुझे। क्या हो रहा है? कभी प्रभु के लिए हृदय व्याकुल हो रहा है तो कभी बाली भैया की मृत्यु का दृश्य इन नेत्रों के समक्ष घूम रहा है। तो वहां छुपा बैठा है मेरे के। कुछ तो है जो मेरे हृदय को व्यथित कर रहा है। लक्ष्य पर लगा है मेरा तीर। प्रभु, आप, ये क्या हो गया मुझसे? प्रभु, मेरे ही तीर ने आपको, ये कुकृत्य कैसे हो गया मुझसे? प्रभु, क्षमा कर दीजिए, मुझ पापी को ज्ञात ना था कि आप है यहाँ। दुखी मत हो पुत्र, ये तो होना ही था। त्रेता युग में मैंने अपने श्री राम अवतार में तुम्हें ऐसा ही वरदान दिया था, इसलिए ऐसा घटित हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? कैसा वरदान दिया था आपने? पुत्र, तुम पूर्व जन्म में बाली थे। जिस प्रकार उस समय मैंने छुपकर तुम्हारा वध किया था, उसी प्रकार मेरा निर्वाण भी निश्चित था। नहीं प्रभु, नहीं, मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। शांति को धारण करो पुत्र, जो जैसा करता है उसे कभी ना कभी उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। ये मेरी नियति थी। त्रेता युग में श्री राम ने हनुमान को जो वचन दिया था उसे उन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्णावतार में पूर्ण किया और पृथ्वी से निर्वाण करने से पूर्व उन्होंने हनुमान को अपने अंतिम दर्शन दिए। प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु, ये कैसी विडंबना है मेरे भाग्य की। पहले प्रभु श्री राम निर्वाण कर गए और अब आप भी मुझे इस भूलोक में छोड़कर जा रहे हैं। हनुमान, तुम तो भाग्यवान हो जो तुम मेरे दोनों अवतारों के साक्षी बने, और इसके पश्चात जब कलयुग में मैं पुनः अवतार धारण करूंगा तब भी तुम उपस्थित होगे। क्या ये हर्ष का विषय नहीं है तुम्हारे लिए? यही सोचकर अपने चिरंजीवी होने के वरदान पर मैं संतोष कर लेता हूं प्रभु। अन्यथा मेरा हृदय ही जानता है कि अपने प्रभु को अपने इन नेत्रों के समक्ष निर्वाण करते हुए देखना कितना हृदय विदारक होता है।
मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं हनुमान, किंतु तुम्हारे कांधों पर बहुत बड़ा दायित्व है, धर्म एवं धर्म पथ के मार्गियों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व निभाना है तुम्हें। कलयुग अब निकट ही है, जिसमें अधर्म का साम्राज्य अपने चरम पर होगा। हनुमान, शीघ्र ही पांडव कुमार परीक्षित का राज्य अभिषेक होने वाला है, तुम्हें जाकर उन्हें आशीर्वाद देना होगा और उन्हें उनकी शक्ति और युद्ध कौशल से परिचित कराना होगा, जिससे कलयुग समय से पूर्व ही आकर पूर्णतः अपना प्रभाव ना फैला सके, सृष्टि के संतुलन को विघटित ना कर सके। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। प्रणाम प्रभु। तुम्हारी और तुम्हारे भक्तों की सदा जय हो हनुमान। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुध जन देखे लीला श्री हनुमान की। ईश्वर लीला अनंत है, जो भी इस धरती पर आया है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है वो सदा अच्छे कर्म करे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।